हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ का, जो 2020 में जिसका वैकेंसी आया था 729 वैकेंसी था टोटल सभी ट्रेड को मिला के, जिसका पीटी और पीएचटी आपका 2020 के बाद आपका 2020 में ही मतलब कंप्लीट किया गया था जनवरी और फरवरी महीना में, जिसका रिटेन एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल एक महीना पहले नोटिस आया था, जिसका रिटेन एग्ज़ाम आपका 31 मार्च बताया गया था, पर अभी 27 मार्च और 28 मार्च का एक न्यू अपडेट दिया था ऑफिशियल साइट पे सीआरपीएफ का, और जिसका एडमिट कार्ड अभी जस्ट आना शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको साइड में दिख रहा है एक एडमिट कार्ड, जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का रिटेन एग्ज़ाम का सफाई कर्मचारी का यहाँ पे रिटेन एग्ज़ाम मेरा बचा हुआ है, जिसका यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका थंबनेल। अब बात है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे, तो अगर एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है तो मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाना है मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाने के बाद एक लिंक आपको मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, डायरेक्ट आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का एक छोटा सा मिनी वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसी तरह आपको डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप, आपको अपना रोल नंबर और आपको पासवर्ड। तो रोल नंबर कहाँ से देना है, तो रोल नंबर आपका जो पीटी और पीएचटी हुआ था उस समय ऑफलाइन जो एडमिट कार्ड आपके घर पे आया था, उसी एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर दिया होगा। और पासवर्ड क्या देना है, तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ में आपका जो DOB है वो आपको डालना है, 6 डिजिट का अंक जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको कैप्चर फिल करना है, जैसे आपको देखने को मिल रहा है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद एक रिस्पॉन्स शीट आएगा, उसके बाद मतलब राइट साइड में ऊपर की तरफ एक कॉर्नर में एक एरो है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा है आपका एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सेक्शन। अगर आप पीटी पीएचटी क्वालिफाइड है तभी आपका एडमिट कार्ड आया होगा, अदरवाइज आपका नहीं आया होगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपका रिटर्न एग्ज़ाम का, वो भी आप सिलेबस क्या है और कितना क्वेश्चन आएगा क्या आएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया। चैनल तो पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते, धन्यवाद देखने के लिए।